क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्लास टेंथ में भी किया था राइट right? और हम अगर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे क्वाड्रेटिक की तो ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ऐसे लिखते थे और इसमें एक कंडीशन है आपका जो ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए अच्छा जी यहाँ पर ए बी सी क्या है ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं और एक्स आपका वेरिएबल है ठीक है यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी इसमें आपने देखा होगा जब भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी अगर हमारा उसका होल स्क्वायर किसी भी चीज का होल स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल के देखो एक काम करते हैं इसको इक्वेशन ले ही लेते हैं एक इक्वेशन अगर आपने ले लिया जैसे एक्स स्क्वेर माइनस वन इक्वल टू जीरो तो आप बोलोगे जी एक्स है और X की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल के आप करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन ऐसे हम सॉल्व करते थे और यहीं पे हमने एक और चीज किया था जब हमारी इक्वेशन ऐसे आती है एक्स स्क्वा प्लस इक्वल टू जीरो तो यहां से आपको मिल जाएगा साथ साथ लिखते रहिए स्क्वायर तो तो यहीं पे हम लिख देते थे ना नो रियल रूट क्लास टेंथ में हम यहाँ तक करते थे यहाँ पे छोड़ देते थे अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि Suppose, कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर निगेटिव है तो ऐसे नंबर कोई रियल नंबर तो होता नहीं क्यों क्योंकि अगर, अगर आप रियल नंबर निगेटिव लोगे तो निगेटिव टाइम निगेटिव वो भी पॉजिटिव हो जाता है पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा मतलब स्क्वायर तो सारे रियल नंबर का पॉजिटिव ही आने वाला है लेकिन हमें यहाँ पे एक ऐसा एक्स मिल रहा है जिसका स्क्वायर निगेटिव है मतलब x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट नेगेटिव वन होगा तो ऐसा कोई रियल नंबर तो होता नहीं है इसलिए हम इसको इमेजिनरी नंबर ले, ले लेते हैं और आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर रूट माइनस वन जिसको हमने लिख दिया आयोटा अब यहाँ पर अगर हम इसको आगे थोड़ा सा देखें क्योंकि x आपका आयोटा है जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्र इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर रूट निगेटिव का स्क्वायर ऐसा हो गया ना तो आपका एक्स स्क्वल टू स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया आपको मिला माइनस वन दैट मींस एक्स इज इक्वल टू आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा इज अ सॉल्यूशन सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्सल टू जीरो आयोटा डालेंगे तो उसको आईटा स्क्वेर प्लस वन इक्वल टू जीरो बिकॉजा स्क्वायर क्या होता है -1 वन होता है यहाँ पे हमने किए ना क्योंकि आयोटा आपका स्क्वायर रूट -1 है आईटा स्क्त माइनस वन हो गया तो हम क्या करते हैं आयोटा इसको नोट कर देते हैं यहाँ पे आयोटा क्या है स्क्वायर रूट निगेटिव वन है आयोटा स्क्वायर आपका निगेटिव वन आ गया क्या हम आयोटा क्यूब निकाल सकते हैं क्या आयोटा क्यूब को हम क्या बोलेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा ऐसा लिखा जा सकता है बेसिक एक्सपोनेंट के जो लॉज है वो लगा दिए मल्टीप्लाई कर देते हैं ना आईटा स्क्वायर माइनस वन है तो ये हो गया माइनस वन और टाइम्स आईटा तो ये मिल गया माइनस आयोटा ठीक है इसी तरह से हम आयोटा फोर भी निकाल सकते हैं तो आयोटा फोर क्या आएगा आईटा फोर कैन बी रिटर्न एज आयोटा स्क्वेर आयोटा स्क्वायर और आई टा स्क्वायर निगेटिव वन था निगेटिव वन और इसको मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव वन के साथ निगेटिव वन निगेटिव वन क्या मिल जाता है पॉजिटिव वन तो हम इनको एक साथ क्लब कर लेते हैं चारों चीजें जो हमने निकाली है ना एक साथ लिख देते हैं पहला हमने बोला कि हम यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर आईटा से रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वन को ठीक है दूसरा यहीं से हमें मिल गया माइनस वन होगा हो जाएगा और आईटा टू पावर फोर इसको हम वन बोलेंगे ये तो हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर्स इसी तरह से जो आईटा की हायर पावर्स है ना उनको भी हम बेसिक एक्सपोनेंट्स के रूल्स अप्लाई करते हुए छोटा बना सकते हैं क्योंकि आईटा टू पावर फोर का मल्टीपल बना देंगे फिर आईटा टू पावर फोर तो वन हो जाता है ना वन की पावर कुछ भी हो वन ही रहेगा तो इस तरह से हम हायर पावर ऑफ आइटा को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो आगे क्वेश्चंस में देखेंगे पर फिलहाल हमें ये पता लग गया आइटा यहाँ पर क्या है एक इमेजिनरी नंबर है जिसका स्क्वेर क्या होता है माइनस वन होता है अब यहां से हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या एक तो हमारे पास रियल नंबर थे ठीक है और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी नंबर अभी हमने डिस्कस किया अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से जिस तरह से रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और आपका जेड लिखते कैसे इसको आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जेट इज इक्वल टू ए प्लस आ रियल नंबर से ए एंड बी बिलोंग्स टू आर आर और रियल नंबर ठीक है तो जब हमने इस तरह से लिख दिया साफ साफ देख रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो ए है तो उसको ऐसे लिखते हैं आर ई ऑफ जेड रियल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट प्योरली रियल होता है जो आपका पहले वाला है ठीक है और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट उसको हम बोलते हैं आई एम इमेजिनरी पार्ट आई एम ऑफ जेड इमेजिनरी जेड भी बोल देते हैं और वो यहां पर आप देख सकते हो वो क्या है वो आपका बी है ठीक है सो एनी नंबर जिस तरह से रियल नंबर को हम एड सब्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन के रूल्स हैं। उसको हम देखेंगे अंडर एल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देना चाहते हैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने लिए हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड वन कह देते हैं ठीक है और इसको लिख देते हैं a प्लस आईटा बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया z2 और इसको बोल दिया c प्लस आई डी Again, C and D are real numbers. Ita is that imaginary number. If Z1 is equal to Z2, this will imply this is possible if and only if the real part here is equal to real part here. Real part there is equal to real part there means A is equal to C and D is equal to. डी बात क्लियर है ठीक है जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करो उसका रियल पार्ट हम यहाँ पे इक्वेशन वाइज भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर जेड वन रियल ऑफ जेड वन इज इक्वल टू आर ई जेड टू ठीक है और ऑल्सो आई एम इमेजिनरी ऑफ जेड वन इज इक्वल टू बच्चे लोग साथ साथ लिख लो इसको ठीक है जब आप लिखोगे ना तो बहुत बेहतर समझ आएगा चलो आगे चलते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम जाएंगे एलजेब्रा पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये यह ले लीजिए ठीक है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल ही है बट लेटे अंडरस्टैंड दिस फोर एक्स प्लस आई टाइम थ्री वाई माइनस थ्री एक्स माइनस टू दिस अप्लाई कर देना है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें रियल पार्ट दिख रहा है नीट एंड क्लीन दिख रहा है ना इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं यस तो रियल पार्ट अगर आप पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें यहां पर आपको मिलता है फोर एक्स तो आपका फोर एक्स होना चाहिए थ्री के बराबर बहुत बढ़िया इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट जो आईटा के साथ बाकी बचे हुए हैं वो आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया थ्री एक्स माइनस वाई शुड बी इक्वल टू यहाँ आईटा के बाद बचा क्या है आईटा के बाद बचा है माइनस ऑफ सिक्स ठीक है इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल कर दिया यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी थ्री बाई फोर और एक्स की ये वैल्यू यहाँ पे डालोगे थ्री टाइम्स राइट भेज दो और सिक्स को लेफ्ट में ले आओ पहले तो ये नाइन बाई फोर हो जाएगा थ्री थ्री जी नाइन बाई फोर ठीक है एंड प्लस सिक्स इज इक्वल टू वाई यहां से आप निकाल सकते हैं वाई कितना मिल रहा है अगर आप ऐड कर पाएंगे तो फोर एंड नाइन प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू वाई नाइन प्लस ट्वेंटी फोर करते हैं तो मिलता है ट्वेंट थर्टी थ्री यस थर्टी थ्री डिवाइडेड बाई फोर इक्वल टू वाई तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई है ठीक है